नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कि आधार कार्ड से अपने आधार कार्ड में कोई भी एड्रेस जो चेंज करना होता है, या आपका कोई एड्रेस मीन्स जैसे कि आपकी यदि कोई लड़का हो या लड़की हो, जैसे लड़की का शादी हो जाता है तो शादी होने के बाद जैसे उसके हस्बैंड का नाम पहले केयर ऑफ या डॉटर ऑफ होता है, किसी फादर का नाम होता है। तो आप यदि शादी हो जाती है लड़की का तो उसके बाद हस्बैंड के केयर ऑफ या उनके एड्रेस में उनके नाम से होती है, तो वो चेंज कैसे करें वो भी मैं आज सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ इसमें इस वीडियो में। और आप अपने बिना कोई आईडी प्रूफ के यदि कोई लोकेशन पे आप चले जाते हैं और वहाँ का लोकल एड्रेस आप इनपुट डालना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा बिना प्रूफ के। बट इसमें आपको एक और भी चीज़ मैं बता दूँ कि आप अपने जन्म का तिथि भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये आधार में अभी आप खुद भी अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, पैसे पेमेंट 50 रुपीज़ का पेमेंट करके। मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि और भी चीज़ है जो आधार कार्ड में आप चेंज करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि आप अपने केयर ऑफ या शादी के बाद जो लड़की का होता है एड्रेस या कोई भी चेंज होना है वो भी आप इजीली करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको जो साइट पे जानी है वो आधार कार्ड, यदि आप गूगल में सर्च भी करते हैं आधार कार्ड चेंज और एड्रेस या आधार कार्ड ही लिखते हैं या आधार लिखते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं जो कि UDI से ऑप्शन है। फ्रेंड, आपको ये जाना है दूसरे जो ऑप्शन मैंने बताया कि फर्स्ट है SSUP.UDI.GOV.IN पे जैसे जाएंगे, या आधार के साइट पे भी आप जाते हैं तो वहाँ पे आप जाकर के क्लिक करते हैं, जैसे ही ये वेब पेज आपको खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको जाकर के ये ऑप्शन है इस पे आपको लॉगिन करना है, लॉगिन विथ आधार एंड OTP। तो आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर आप इनपुट करेंगे, ये आप अपना आधार कार्ड नंबर डालते हैं, जो कैप्चा दिया हुआ है वो आप डालते हैं, और जैसे ही सेंड OTP पे करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाता है। जैसे ही आप OTP डालेंगे फ्रेंड, तो ये इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। इंटरफेस मतलब ये सारे दिखने लगेंगे फ्रेंड, यहाँ के आपको दिख सकती, हो सकता है ऑनलाइन अपडेट हो या किन किन में, ये पूरी तरह से लिखा होता है, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस अपडेट होता है लिखा हुआ, आप ये भी चेंज कर सकते हैं फ्रेंड, ये भी लिखा होता है, या ऑनलाइन अपडेट भी लिखा होता है किसी किसी में, यदि आप UDI डायरेक्ट साइट्स पे जाकर के क्लिक करते हैं तो। फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड आधार कार्ड भी कर सकते हैं, आधार कार्ड ऑर्डर PVC कार्ड, मतलब जो प्रिंटेड एक प्लास्टिक के जैसा पैन कार्ड जैसा मिलता है उसी तरह का आधार कार्ड भी आपको मिल जाएगा ऑर्डर करने पे ही। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप ये खुद यहाँ से भी कर सकते हैं, बट मैं अभी आपको जिस तरह से बताया कि आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस या जेंडर या नेम या बर्थ डेट या कोई भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे फ्रेंड आप क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट इंटरफेस जो खुलेगा ये ऑप्शन आ जाता है फ्रेंड, अपडेट आधार ऑनलाइन ऑप्शन आता है, हेड ऑफ़ द फैमिली HOVF आता है, अ लैंग्वेज ओनली अपडेट आता है। तो आप यहाँ पे तीन चीज़ ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट मैं आपको बता दूँ, यदि आप ऑनलाइन आधार, जो ऑनलाइन आधार लिखा हुआ है ये अपडेट आधार ऑनलाइन, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे फ्रेंड तो ये आपको ये इंटरफेस खुलेगा जो नीचे आपको दिया हुआ है, जहाँ पे आप सेलेक्ट चेंज कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, दो बार ही चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ एक ही बार चेंज कर सकते हैं फ्रेंड, जेंडर है वो भी आप एक ही बार चेंज कर सकते हैं, एड्रेस अनलिमिटेड है, आप एड्रेस कितने बार भी चेंज कर सकते हैं, इसमें एड्रेस का कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हाँ, नेम में आपका कोई गलती है आधार कार्ड में तो आप आधार कार्ड में दो बार ही चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ है जो एक ही बार चेंज कर सकते हैं, मतलब चेंज मतलब क्या कि आपका पहले कोई गलती डला हुआ था और आप एक बार जो फाइनलाइज करेंगे वही सेट हो जाएंगे, इसमें अपडेट हो जाएगा। जेंडर भी है, वही आपका कोई गलती से कोई जेंडर ऐड हो गया होगा या आपको लगता है कि हाँ इसमें कोई चेंजिंग है, तो आधार के तरफ से UDI के तरफ से एक बार इसमें भी ऑप्शन मिला है। एड्रेस में अनलिमिटेड है फ्रेंड, आप एड्रेस कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने क्या, हमने सोचा कि यदि कोई भी आप लोकेशन पे जाते हैं और वहाँ पे आपका आधार का एड्रेस चेंज करना है और नीड है कुछ वहाँ से सपोर्टिव में, तो आप एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आपको HOF हेड ऑफ़ द फैमिली पे क्लिक करना है फ्रेंड। वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन ये आ जाएगा, इंटर आधार नंबर ऑफ HO। अब जिनका मतलब कि हेड ऑफ़ द फैमिली जो आपको गारंटी लेते हैं एक तरह से कि हाँ मैं
इनके रिलेटिव में हूँ और मैं इनको जानता हूँ, तो वो उनका आधार कार्ड नंबर होगा, उनका मोबाइल नंबर होगा और एच ऑफ रिलेशनशिप विद द अप्लीकेंट, मतलब उनका रिलेशन क्या है। यदि मेरा चेंज करना है और किसी मेरे कोई रिलेटिव रह रहे हैं उस लोकेशन में, तो वो ये चीज़ को मेंशन करेंगे कि मैं उनका क्या लगता हूँ, एच ऑफ रिलेशन विद अप्लीकेंट का क्या रिलेशन है। सेलेक्ट वैलिड सपोर्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट वो है कि मतलब लोकल आप डॉक्यूमेंट ना भी हैं तो आप एक पेज आता है इसमें कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड में ना उसमें एक अप्लीकेट मतलब एक अप्लीकेशन एक तरह से लिखा होता है कि मैं इनको जानता हूँ, ये यहाँ पे रहते हैं, या एक फॉर्म भी है, खुद से भी लिख सकते हैं कि मेरा सारे डिटेल हैं, तो वो भी एक फॉर्म से लिख करके ऑनलाइन अपने के मतलब ये चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड। तो वैलिड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट में आप जैसे ही जाएंगे फ्रेंड, तो ये लिखा होता है, मैंने जैसे बताया, सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर नोटिफाइड फॉर्मेट एच ओ बेस्ड एड्रेस अपडेट। तो एच ओ एफ जो मतलब हेड ऑफ़ द फैमिली या कोई भी, उन्होंने आपका जो गारंटी लिया कि हाँ मैं इनको जानता हूँ, या मेरे अगेंस्ट में ये, या मेरे आधार पे ये अपने आधार कार्ड में ये अपडेट करना चाहते हैं एड्रेस को, तो उनके तरफ से ये बेस्ड होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म है जो आपको भरना पड़ेगा, भर करके ये आपको नेक्स्ट पेज जो मैंने बताया वो अपलोड इसी में है, जो अपलोड जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे वो अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा। जैसे ही अपलोड कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को तो ये ऑप्शन आता है यहाँ पे फ्रेंड। यहाँ पे बस कोई नहीं, आपको ओके करके नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाना है। नेक्स्ट अपलोड कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको मतलब जैसे कि मैंने बताया कि प्रूफ ऑफ द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या है आपका, जो रिलेटिव है या फ्रेंड है या फैमिली का कौन है, क्लियरली वो मेंशन होना चाहिए इसमें एच ओ एफ का। आप वो अपलोड जैसे ही करेंगे, कंटिन्यू टू अपलोड करेंगे, जैसे आपने पहले अपलोड कर दिया डेटा मतलब या डॉक्यूमेंट जो भी है वो आपने अपलोड कर दिया, तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेमेंट का फ्रेंड। अपलोड करते हैं ये फ्रेंड ऑप्शन आता है यहाँ पे है, आई हेयर बाय कन्फर्म पे क्लिक करना है, और आप ऑप्शन पेमेंट क्या करना चाहते हैं यहाँ पे पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो एक क्यूआर कोड जनरेट होता है फ्रेंड, वो मैं अभी आपको इसमें नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो सिक्योरिटी बेस पे होती है कोई भी पेमेंट। मैंने यहाँ से बता दिया कि यहाँ पे ऑप्शन आते हैं कि पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं। पेमेंट जैसे ही करेंगे फ्रेंड तो ये नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्लिक होकर के आ जाएगा कि यदि पेमेंट आपने 50 रुपये कर दिए, आप यहाँ पे क्यूआर कोड भी आप जनरेट होता है, यदि आप ये सेलेक्ट करते हैं ना तो क्यूआर कोड भी जनरेट हो जाता है। क्यूआर कोड जैसे ही जनरेट होता है तो वो आपने उसको स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं, तो पेमेंट होते हैं ये फ्रेंड आपका ओके का टिक आ जाता है। जैसे पेमेंट डन हो जाता है फिर आप जब बेस फिर से लॉगिन करके आप यूडीआई के साइट पे जाते हैं, आधार कार्ड पे साइट पे जाते हैं, तो आपका यहाँ पे सारे डिटेल फ्रेंड्स नीचे दिख जाता है कि आपका सर्विस नेम क्या है, अपने डेटा का डॉक्यूमेंट का चेंजिंग के लिए किया है, आपका सीरियल नंबर आ जाता है, क्रिएशन डेट आपने कब चेंजिंग के लिए रजिस्टर मतलब अपडेट के लिए डेट में आपने किया, जैसे कि आज का डेट आप डालते हैं तो आज का डेट ये दिखेगा, डेट दिखता है कि आपने किस दिन अपडेट किया है या कोई भी मॉडिफाइड किया है अपने डेटा में, उसका स्टेटस आता है पेंडिंग है या ओके हो चुका है, रिज्यूम है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड कर सकते हैं फाइल को, यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं फाइल को। तो फ्रेंड ये रहा मैंने आपको जैसे बताया कि आप ये आप आधार कार्ड में कोई भी एड्रेस या मॉडिफाइड डेटा कैसे कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड ये हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें, आप अपने फ्रेंड या फैमिली में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको ये जानकारी मिल पाए। थैंक यू फॉर फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।